जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। चमत्कार एक ऐसा विषय है जिस पर मैं आज तक विश्वास नहीं करता। इसका कारण यह है कि ये मैं मानता हूं कि चमत्कारी पुरुष होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे सिद्ध होते हैं जो आपके जीवन में चमत्कार करके चले जाएं। लेकिन चमत्कार का कोई ढिंढोरा पीट करके मदारी का खेल दिखाए तो वो चमत्कार नहीं हो सकता है। साधना सिद्धि एक ऐसा विषय है कि आप कितना आगे बढ़े हैं वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए होता है, वो लोगों को बताने के लिए नहीं होता है। इन्हीं तरीके के विषयों को लेकर के, और जब हम अघोरा डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे तो अब हमारे एक गुरुजन हैं, उनसे हम वार्तालाप कर रहे थे, उनसे ही हम बात कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि बनारस को अघोर का मुख्यालय बताते हुए और छोटे मोटे अवघड़ों को दिखा करके उनसे घृणित कार्य करवाकर अघोर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उसी में फिर आगे एक विषय बढ़ा कि वो मांस नोच के खा लेना कैमरे के सामने, और ऐसा लाशों पे बैठकर जाप करना, ये सब दिखाते हैं। तो मूलभूत बात मैं उनको बताना चाह रहा था कि बनारस में फ्रॉडिये रहते हैं, बनारस की घाटों पे जो अघोरी मिलते हैं वो फ्रॉडिये होते हैं, चमत्कार के नाम पे मौटी दिखाते हैं। तो उन्होंने अपनी एक आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि नाथ संप्रदाय में दीक्षित होने से पहले, यह हमारे गोरखनाथ पंथ के गुरु हैं, तो नाथ परिवार में जब ये दीक्षित हुए तो ये अवगढ़ हुए, ये श्रीनाथ जी नहीं हुए, नाथ जी हुए, ये लोग कनफट्टे नहीं होते। तो ये घूम घूम करके मसानों में जा जाके अपनी साधनाएं करते थे। अब जैसे जो ब्रह्मास्त्र मंत्र है उसकी साधना सिर्फ बनारस के घाट पे ही हो सकती है, और मूलभूत रूप से एक ब्राह्मण अघोरी ही उसको सिद्ध कर सकता है। इसी क्रम में वो बनारस के एक घाट पर पहुंचे तो इनकी भी मानसिकता मेरे जैसे ही थी कि ये जो आडंबर करते हैं, ये जो बैठे रहते हैं, ये सब फ्रॉडिये होते हैं, तो उनसे दूर रह के ये अपना साधना वहां कर रहे थे और अनुभूतियां भी इनको अच्छी हो रही थी। गंगा के तीर पर जब आप साधना करते हैं, जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं, आपका मंत्र सिद्ध हो ना हो लेकिन आपको प्रेत भूत इनके दर्शन होते हैं, आंशिक हो पूर्ण हो वो तो आपकी शक्ति पर निर्धारित होता है। लेकिन आप अगर बनारस के घाट पे जाकर के साबर विद्या का जाप करते हो तो आपको कुछ ना कुछ अनुभूति होगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा। उस पर भी जो उल्टी विद्याएं होती हैं, जब मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण वाली, इसमें तो तय दिखता है। तो जब ये बैठ करके साधना कर रहे थे तो वहां पर दो खिलक्कड़ अघोरी अपना ओमपट हुमपट किए जा रहे थे, तो इन्होंने उनको देखा और नहीं ध्यान देते हुए अपना जो जाप था, जो क्रिया थी वो कर रहे थे। ठीक है, वो दोनों भी इनसे कोई उनको अंतर नहीं पड़ रहा था, वो अपने स्थान के राजा थे, उनके लिए वो जो कर रहे थे उनके 10 चेले देख रहे थे। उनमें से एक चेला आकर के उनको बोला कि आपको वहां महात्मा बुला रहे हैं। तो इन्होंने बोला उनके पास हमें नहीं जाना है, वो जो भी वहां क्रिया करे हमें नहीं जाना है। तो उनको बताया गया कि जो इसमें बैठे हैं वो नहीं, जो कुटिया में महात्मा है वो आपको आपसे मिलना चाहते हैं। तो कुटिया काफी दूर थी, इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां के महात्मा को मेरे बारे में क्या विषय, क्या पता। ये उठ करके उनकी कुटिया में चले गए। तो जैसे ही ये गए उन्होंने गालियों से स्वागत किया, उसके बाद इनको बोला कि हम स्वजाति हैं। ऐसे अघोर में जात का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जो जन्म से जात होता है वो होता है। फिर इनसे पूछा कि आप ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर अघोर में कैसे आए, ये वो।
तो इन्होंने बताया अपना पूरा जो जर्नी था वो उनसे साझा किया, और उसके बाद उनको बताया कि देखो ये जो आपके शिष्य बाहर कर रहे हैं ये आडंबर है, और अगर आप ये सिखा रहे हैं उनको तो ये भी आडंबर है, क्योंकि ऐसे हुम फट करके और 10 लोगों को जमा करके कोई प्रेत प्रत्यक्ष हो जाए ऐसा नहीं होता है। ये खोपड़ी घुमाना, उसमें से एक जो साधक था वो जमीन के अंदर मतलब गड्ढा करके और सर उसका बाहर था और सामने दो खोपड़ी को अपने आंख से नचा रहा था, ठीक है। तो वो एक माउटी होती है और इसको देख के लोग काफी प्रभावित थे, काफी वहां पे जो उनके शिष्य थे, तो इन्होंने बोला कि देखो ये सब जो आपके चेले कर रहे हैं ये सब माउटी है, ये सब हम नहीं मानते, हमारे हिसाब से ये फॉर्जरी हो रही है। तो उन्होंने बोला कि आपको उस स्तर का होना चाहिए कि आप असली तंत्र का प्रयोग देख सकें, जो जितना सक्षम होता है उसको उतना ही दिखाया जाता है। अगर दो खोपड़ी खेल रहे हैं आपस में तो ये दोनों भी एक शक्ति का प्रमाण है, और जो लोग उसको देख रहे हैं उनके लिए इतना ही प्रमाण काफी है। फिर इनको बोला कि आपने कभी शव साधना किया है क्या? तो इन्होंने बोला हमने कभी शव साधना नहीं किया, नहीं किया था। तो बोला कि हम सात्विक साधना करते हैं, हम गोरखनाथी हैं, ठीक है। बोला आपको देखना है कि शव से साधना कैसी होती है? इन्होंने बोला हाँ देखते हैं। ये कथा तो इन्होंने भी सुन रखी थी कि कैसे होता है शव साधना सड़ी गली लाशों से, लेकिन इतने सिद्ध जैसे व्यक्ति बैठे हुए हैं और वो अगर बोल रहे हैं कि आपको देखना है तो ये मना नहीं कर पाए। इन्होंने बोला हाँ ठीक है कर दो। उन्होंने बोला आज तो होगा नहीं, कल या परसों में मैं आपको, आप इसी आसपास रहे तीर में, मैं आपको बुलाऊंगा। तो एक दिन इनको फिर उनके चेले गए, बुला कर लाए इनको, मतलब मसान, जैसे एक तो आप शहर का मसान देखते हो, शमशान देखते हो, जहाँ पे पूरा व्यवस्था रहता है। ग्रामीण इलाकों में दो तीन चीजें होती है, कोई भी नदी के तीर पे चाहे तो जला दिया जाता है, और जो ग्रामीण इलाके होते हैं ना उसमें जलाया भी नहीं जाता है, ज्यादा गाड़ा जाता है, या गंगा के तीर पे जो गांव है उसमें प्रवाहित कर दिया जाता है। तो जब आप जंगल के बीच में एक स्थान पर बैठे हों जहां पर ऐसा नजारा हो तो वो काफी भयावह होता है, तो उसमें इनको भोजन के लिए बुलाया गया। तो वहां पे अपना मदिरा पान चल रहा था, इनको बोला गया कि अब आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे होता है शवों से साधना। ये इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से तो शव आएगा कहीं से, उन्होंने बोल दिया कि देखो मध्य रात्रि से हम ये शव से साधना शुरू करेंगे, और ये इंतजार कर रहे हैं पता नहीं ये कहाँ से उखाड़ेंगे, कहाँ से कबाड़ेंगे, कहाँ से चुरा के लाएंगे। लेकिन मध्य रात्रि हो गई और ऐसा कोई व्यवस्था नहीं दिखा, तो इन्होंने बोला कि गुरुजी अभी तो खाना पीना भी हो गया और कहीं से कोई शव तो आप लोग लेके आए नहीं कि आप लोग शवों से साधना करोगे, क्या मतलब प्रकट करोगे क्या शव को, मतलब मजाक ही उड़ाया एक तरीके से। तो बोला चलो चलो प्रकट करते हैं। ये जब इनको नदी के पास लेके गए, बोला कि नदी से एक लाश बहके जा रही थी, इन्होंने जो भी अपना मुद्रा करना था मंत्र करना था किया, और बोला नदी के प्रवाह के विपरीत वो लाश बहती हुई सीधे इनके पास आई, और फिर उसको ये लोग उठा करके ले गए। जो तीन जो इनके साथ लोग थे उन्होंने उसको बाहर निकाला, उसको पूरा स्नान करवाया, उसके बाद कुटिया में लेके चले गए। उसमें एक एक्सपर्ट था, वो उसने तुरंत उसको उसकी छाती को काटा, उससे कलेजा निकाला, और फिर उस कलेजे से इनको सामने रख के और फिर हवन किया गया। वापस उनको उनके पूरे छाती को सिल दिया गया। सिलने के बाद 3 घंटे उस शव की पूजा हुई, उनको नया वस्त्र धारण करवाया, उठा करके फिर नदी के तीर पर लिटा दिया, और ये लोग हवन करते रहे। जब हवन कर रहे थे तो कई तरह की
अनुभूति होती थी, ऐसा लगता था जैसे कि हवन कुंड के बीच से कोई दौड़ के निकल गया हो। आवाजें तो आम होती हैं जब उग्र हवन होता है, लेकिन इस हवन की ये खासियत थी कि इस हवन में लगता था कि जैसे हवन कुंड के ऊपर से कोई दौड़ के निकला हो, जैसे कि अगर आग के ऊपर से कोई दौड़ के निकले तो एक वायु वेग से जो है ना वो आग बुझने जैसी हो जाती है, तो वो स्थिति में आ जाती थी और फिर वो प्रज्वलित हो जाती थी। एक बार जब हवन समाप्त हुआ तो फिर उनको जल में दिया गया, और जब जल में दिया गया, अगर आप लोगों ने देखा है गंगा के तीरों को तो कैसा होता है, वो काफी बड़ा होता है, वो शहरों के नाले जैसा नदियां नहीं होती, वो किलोमीटर जैसा लंबा होता है। और फिर जब मुद्रा करके उनको प्रार्थना किया गया तो वो जितनी दूरी से वे बह रहे थे वो सीधे पहले उस मार्ग में गए जिस मार्ग से उनको बहना था, और फिर वो गंगा के उसी बहाव में आगे चले गए। तो इसमें जब गुरु महाराज ने देखा कि एक लाश बह करके तीर पर आ जाती है एक मुद्रा दिखाने से और फिर वापस उसी बहाव में चली जाती है जहां से वो आई थी, तो ये चमत्कार था। लेकिन ये चमत्कार वो सबके लिए नहीं था, लेकिन ये चमत्कार था, इसको वो नकार नहीं सके। इसके बाद वो वहां पे दंडवत हुए, उन स्वामी जी के पास कुछ विद्याएं ली, फिर उसमें से कुछ विद्याएं हमारे पास भी आई। ठीक है, ये कथा सिर्फ इसलिए कि जो शव साधना को लेके भ्रांतियां हैं अभी, जो कैमरा के सामने शवों को लेकर के विक्षिप्त तरह की चीजें अभी की जा रही हैं, वैसे शव का कोई प्रयोग नहीं होता। दूसरा, जब भी शव साधना होती है तो शव को देवता के रूप में माना जाता है, देवता या देवी के रूप में, और उसी तरीके से उनकी पूजा की जाती है। बाकी बचा अंगों से हवन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पंच महाभूत माना जाता है। पंच महाभूत से अगर आपको हवन करना है तो वो सिर्फ इंसान का अंग ही है, किसी जानवर के अंग में पंच महाभूत को नहीं माना जाता है। अंतिम विषय आप लोगों के लिए, अगर घर में दीपक जलाएं, हवन कर रहे हो और ऐसा वायु वेग आए जिससे लगे कि दीपक बुझ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं घर में कुछ गड़बड़ी है। गायत्री मंत्र करें, हवन करें और घर को तुरंत बंधन करें। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड साधना ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें जो साधना का शुरुआती आयाम है उससे आप समझ सकते हैं, उसे आप कर सकते हैं। तंत्र मंत्र इंद्र तीनों का ज्ञान आपको इसमें मिलता है। मेरे आगामी कार्यक्रम और लेख पढ़ने के लिए www.aghortantrahasya.com पर जाइए। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। माँ भगवती आप सभी को सुरक्षित रखे, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।